नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल से, जो रफ्तार टीवी के साथ है और सैटेलाइट पे है। आज हम बैठे हैं जयपुर की ऐसी जगह पे जहां पे कांग्रेस के जो पुराने सिपाही हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस के लंबे समय कांग्रेस के साथ रहे हैं और आज भी कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते हैं। एक बहुत लंबा सफर है और ये सफर जो है वो राजनीति में अलग अलग दौर पे रहा है। बहुत बार उन्होंने अगर उपलब्धि हासिल करी है तो बहुत बार उन्होंने डिफीट भी खाई है, हार भी देखी है, लेकिन फिर भी आज कांग्रेस के वो एक मजबूत सिपाही हैं और कांग्रेस ने उनको ओबीसी का चेयरमैन बनाया है। हम आज बात कर रहे हैं हर्षाय यादव जी से, जो अपनी राजनीति सफर के बारे में आज हमें बताएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार तो आपने हमें समय दिया। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। पहला सवाल यही हर्षाय जी कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीति में सब हमारा, वैसे बताऊँ आपको, मेरा जो परिवार है, मेरे जो ताऊ जी सेठूराम जी यादव थे, वो महापा पंचायत के आजीवन सरपंच रहे, जयपुर अनाज मंडी के चेयरमैन रहे, तो राजनीतिक परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे ताऊ जी थे, हमेशा हमने बचपन से राजनीति देखी है और उनके उनसे सीखी है। जब राजस्थान में डेयरियों का आरंभ हुआ था सन 1975 में, 81 के अंदर जो मैं महापुरा बाढ़ दूध उत्पादक सहकारी समिति का अध्यक्ष बना, पहले अध्यक्ष तो बन गए हम, पर राजस्थान में डेयरियों के चुनाव नहीं हो रहे थे, तो हम जो पढ़े लिखे थे, हमने महसूस किया यार खाली अध्यक्ष बनने से क्या मतलब है। हमने 83 तक, 2 साल तक जो है आंदोलन किया राजस्थान के अंदर और डेयरियों के चुनाव करवाए, जिस समय हरदेव जोशी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब हमने इसका आंदोलन प्रारंभ किया। 83 के अंदर शिवचरण माथुर जो है मुख्यमंत्री बन गए थे, उस समय जो है डेयरियों के चुनाव के 83 में मैं जयपुर डेयरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर चुनकर आया। पूरे जयपुर जिले के जो दूध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा इसका चुनाव होता है, तो जयपुर जिले में सबसे हाईएस्ट वोटों से मैं जयपुर डेयरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर चुनाव जीत कर आया था। उसके बाद में हम डेयरी में कोऑपरेटिव सेक्टर के में काम करता रहा मैं। 18 मार्च 1988 को मेरे से जो मेरे ताऊ जी जो सरपंच रामापरा पंचायत के रहे थे, उनका स्वर्गवास हो गया। जून 1988 में अपने पंचायत राज के चुनाव हुए थे, उस समय मैं जून के अंदर जो चुनाव हुए उसमें पंचायत राज के अंदर मैं सरपंच के लिए मेरे को जनता ने चुन लिया। उसके बाद में मैं 88 से लेकर के 2000 तक मापरा पंचायत का सरपंच रहा। इसके बाद में आरक्षण हो गया, बाद में सीट हमारी जो है बगरू, ये जो मापरा पंचायत की थी वो रिजर्व सीट हो गई। 2005 से 10 के बाद मैंने जो है सांगानेर पंचायत समिति के प्रधान के पद पर रहा। उसके पहले मैं संगठन के अंदर भी 2000 से उससे पहले ब्लॉक अध्यक्ष रहा, और ब्लॉक अध्यक्ष रहते हुए जो है मैंने प्रधान के चुनाव लड़ा था और मैं प्रधान बन के जब बीजेपी की सरकार थी उसमें राजस्थान जयपुर जिले में सिर्फ 3 ही प्रधान कांग्रेस के जीते थे, उसमें मैं सांगानेर से प्रधान के पद के ऊपर मेरे को जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं प्रधान रहा 2005 तक। उसके बाद में काफ़ी दिनों तक मैं किसी पद पर नहीं रहा। फिर अभी जब जिला परिषद के चुनाव हुए तो 20 नंबर जो जिला परिषद का वार्ड है ये आज तक कभी भी कांग्रेस ने इस सीट के ऊपर जीत हासिल नहीं की थी, पर जनता का मेरे को आशीर्वाद मिला और जनता ने मेरे को 20 नंबर जिला परिषद वार्ड से जिता करके जिला परिषद मेंबर के रूप में चुनाव जिता करके भेजा। उसके लिए भी मैं पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी वर्तमान में मैं संगठन के कई पदों पर रहा, वैसे संगठन में मैं जिले उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ, अन्य पदों पर भी रहा हूँ मैं। राजीव गांधी पंचायत राज जो संगठन है उसके अंदर भी मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा, और संगठन में तो मैं कई दिनों से काम कर रहा था। अभी ओबीसी का चेयरमैन बनाने के लिए डोडासरा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम चयन करके दिल्ली भेजा। दिल्ली से कैप्टन अजय सिंह जी यादव ने उनको इस मेरे नाम को सोनिया जी के पास रिकमेंड करके भेजा, और सोनिया जी ने, राहुल जी ने मेरे को
राजस्थान का प्रदेश का ओबीसी का चेयरमैन बना करके सितंबर के अंदर मेरे को इसका चुनाव किया, भेजा मेरे को जी। तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने संगठन में काफी वर्षों तक काम किया था। मैंने कभी डिमांड भी नहीं की थी भाई मेरे को इस प्रकार का जो है किसी प्रकार का पद चाहिए, पर पार्टी ने और हमारे जो आला कमान है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे को आज राजस्थान में जो 56% आबादी ओबीसी की है उसका प्रतिनिधित्व करने का मेरे को मौका दिया है। तो मैं इसको बखूबी निभा रहा हूँ और आज पूरे राजस्थान के अंदर मैंने संगठन को खड़ा करने के लिए हमेशा अब पार्टी की सेवा में लगा हुआ हूँ। आज पूरे राजस्थान के अंदर 39 जिले हैं, उसमें 38 जिलों के अंदर जो है मैंने जिलाध्यक्ष बना दिए, ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हमारे ओबीसी के, और पूरा ओबीसी का ढांचा तैयार करके हमने जो है पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में 2023 के अंदर जो नवंबर दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर हम कांग्रेस को ज्यादा और मजबूती प्रदान करें, ओबीसी के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें ताकि ये जो सरकार है जो विकासशील योजनाएं चल रही है ये निरंतर चलती रहे और 23 के अंदर 100% कांग्रेस की सरकार इन योजनाओं के माध्यम से आएगी, इस प्रकार जनता का पूरा रुख है। अर्थात जी आजकल जो है ज्यादातर जो चुनाव है वो कास्ट बेस्ड हो गए हैं, लेकिन आपकी एक ये बहुत बड़ी क्वालिटी रही है कि आपने कास्टिज्म को कभी पनपने नहीं दिया और लंबा समय ऐसा ऐसी क्षेत्र पे आप सरपंच भी रहे जहां पे आपकी कास्ट का जो प्रतिनिधि था बहुत कम थे। तो अशोक गहलोत और आप में बहुत सिमिलरिटी समझ में आती है कि अपना कास्ट का वोट होने के ना बाद भी आपने ये उपलब्धि हासिल करी, तो ये क्या कारण रहा इसका? ऐसा मैं जनता के बीच में रहता हूँ, कभी मैंने जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। मेरी मापरा पंचायत में 2000 वोट जाटों के वोट हैं और यादवों के वोट सिर्फ 100 है। मेरे खिलाफ हमेशा जाट ही चुनाव लड़ता है, फिर भी मापरा के जितने भी जाट हैं वो अधिकतर लोग मेरे साथ रहते हैं। और जाट ही नहीं, कोई भी राजनीति करने के लिए आदमी जब तक 36 कौम का साथ नहीं मिलेगा तब तक राजनीति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरे को तो मेरी मापरा पंचायत में यादवों के सिर्फ 100 वोट हैं, फिर भी 36 कौम का साथ मेरे को मिलता है। और क्योंकि मैं हमेशा जनता की सेवा करता हूँ, गांव का विकास मैंने किया है हमारे मापरा के अंदर, क्योंकि मापरा एक छोटी काशी के रूप में पहचाना जाता है। आज वहाँ संस्कृत के कॉलेज हैं, एसटीसी है, और अभी अभी 24 तारीख को जो है एसएसआईआरटी जो संस्कृत का शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है जो राजस्थान के अंदर एक ही है, उस जमीन का भी जहाँ अभी वो एसएसआईआरटी का भवन बना है, मैं जब सरपंच था तो पिछले कार्यकाल में मैंने 8 बीघा जमीन सरकार से जो है उसको अलॉट करवा करके रखी थी ताकि आज उसका भवन बन करके हमारे को बहुत बड़ा गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि एक बहुत बड़ा भवन बनकर जो 8 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनी है उसमें पूरे राजस्थान के जो टीचर्स हैं अध्यापक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, संस्कृत के अनुसंधान किए जाएंगे उसके अंदर ताकि संस्कृत को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। और हमारा पूरी मापरा पंचायत के आसपास में संस्कृत का बहुत बड़ा अच्छा माहौल है, हम भी मापरा संस्कृत कॉलेज में ही पढ़े हुए हैं, और ताकि हमारे गांव का विकास हो इस धारणा के साथ में मैंने हमेशा गांव के विकास के लिए काम किए हैं और सबको साथ लेकर के मैंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखी, सब जातियों को सब लोगों को साथ लेकर के गांव का विकास किया है। और विकास भी तभी ही होता है जबकि गाँव का पूरा सब लोगों का समर्थन प्राप्त हो, तो मैं हमेशा सब लोगों के बीच में रहा हूँ, कभी मैंने द्वेषता नहीं की, कभी मैंने जातिवाद नहीं किया, उसी की देन है कि मेरे को जो है इसलिए मैंने 7 चुनाव लड़े हैं और हमेशा जनता ने जो है मेरे को आशीर्वाद दिया है। अच्छा जी, अब चुनाव का दौर लगभग आ चुका है और अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल साहब, आज जनता का इतना बढ़िया रुझान है, मैं भी राजस्थान के अंदर हर जिले में जा रहा हूँ, अभी उदयपुर संभाग में गया था, कोटा, अलग अलग संभागों में पूरे राजस्थान के अंदर हम जा रहे हैं। लोगों की जो भावना है अब की बार सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का सरकार के खिलाफ में विरोध नहीं है,
सब लोगों को इस बात का पता है, आप सब मीडियाओं को भी देख, मीडिया वालों को भी सब इस बात का एहसास होगा कि अब की बार पहला एक मौका है कि 4.5 साल ज्यादा हो गया सरकार को, पर सरकार के खिलाफ में कोई वातावरण नहीं है और सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं जो अभी महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से हैं, जो लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है जी। क्योंकि आज केंद्र की गलत नीतियों के माध्यम की वजह से देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। उस महंगाई को कम करने के लिए गहलोत साहब ने महसूस किया कि मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, उनको राहत प्रदान करने के लिए चाहे उज्ज्वला योजना में जिनको सिलेंडर दिए थे वो 1150 रुपये में सिलेंडर नहीं भरा पा रहे थे, आज 500 रुपये के अंदर जो है उनको सिलेंडर दिए जा रहे हैं और आज ही गहलोत साहब ने उनके खातों के अंदर पैसा भी ट्रांसफर कर दिया। 600 रुपये जो सब्सिडी होनी चाहिए 500 के बाद में जो भी सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है, आज बटन दबा करके गहलोत साहब ने उन सब महिलाओं के खाते में उस सब्सिडी का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जी। इसके अलावा चाहे चिरंजीवी योजना जो पूरे देश के अंदर 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस की जो योजना है, 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा योजना है और खाने के जो किट हैं उसके अंदर आटा चावल दाल मसाले सभी दिए जाएंगे, हर उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है और 200 यूनिट तक जो है किसी प्रकार का सरचार्ज वगैरह भी नहीं लगेगा। पहले एक भ्रम हो रहा था, अभी 3 दिन पहले गहलोत साहब ने उसको भी दूर कर दिया कि 100 यूनिट तक किसी प्रकार का सरचार्ज या कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो बिल आएगा और 200 यूनिट तक जो है जो भी सरचार्ज लगेंगे वो भी माफ कर दिए गए। उसके बाद में अलग अलग स्लेब हैं 300-400 अलग अलग यूनिटों का, उस पर भी कुछ सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को आज 2000 यूनिट बिजली के फ्री दिए जा रहे हैं, जो जिन किसानों के मीटर नहीं है उनको 1000 रुपये प्रति महीने की अलग से सब्सिडी दी जा रही है। जिनकी लंपी योजना में किसानों की गायें खत्म हो गई थी उनको 40,000 रुपये का क्लेम दिया जा रहा है 2 गाय का, और आगे आने वाले समय में जिस किसान के पास भी चाहे गाय हो चाहे भैंस हो उनका 40,000 का फ्री इंश्योरेंस सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है सरकार की इतनी बढ़िया योजनाएं हैं, विधवावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, अन्य जो पेंशन 500-750 जिनको मिलती थी उनको 1000 रुपये कर दिए, तो सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसको राहत नहीं प्रदान की गई। तो उन्हीं योजनाओं की वजह से दोबारा से सरकार 2023 जो नवंबर दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं इसमें रिपीट होगी। और ये जो राजस्थान के अंदर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो ट्रेंड चल रहा था, अब की बार उसको उस मिथक को भी तोड़ा जाएगा और सरकार हमें रिटर्न होगी। आपने देखा होगा कर्नाटक में अभी चुनाव हुए हैं, इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वहां जो है क्योंकि वहां की भ्रष्टाचार सरकार थी उसका उनको कोई फायदा नहीं मिल पाया। और हमारे जो मोदी जी हैं इन्होंने इतनी सभाएं वहां की है जाकर के, और अभी एक दिन गहलोत साहब बोल भी रहे थे राजस्थान के अंदर भी, वो 4-6 मीटिंग कर गए। गहलोत साहब कह रहे थे कि आगे आने वाले समय में हो सकता है मोदी जी कोई नगर पालिका चुनाव के अंदर भी प्रचार करने के लिए आ जाए। तो उनका प्रधानमंत्री का इतना स्तर नहीं होता है कि रोज रोज जो है आके राज्यों के अंदर राज्य के चुनाव के अंदर भाग लें। आज तक हमने तो देखा है, मैं तो 40 साल से राजनीति में हूँ, जब कभी भी चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री 1 या 2 मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं जी। और यही अब तक का रहा है, अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, पर इन लोगों ने तो ईडी इनकम टैक्स लोगों को डराने धमकाने की पूरी योजनाएं कर रहे हैं और ये बौखलाए हुए हैं। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा, राहुल गांधी की पॉपुलरिटी बढ़ी, उसके कर्नाटक के चुनाव में इनको पराजय हुआ, तभी से बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले। और अशोक जी गहलोत जिनकी सरकार को अस्थिर करने का भी इन्होंने कार्य किया था पर उसमें भी ये सक्सेस नहीं हो पाए। तो मेरा पूरा विश्वास है और पूरी जनता का ये माहौल है कि दोबारा कांग्रेस की सरकार 101% आएगी, इस प्रकार का पूरा हमारे को विश्वास है। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि महंगाई राहत कैंप का जो शुरुआत है
वो भी उसी सीट से हुई जहां से आप सरपंच हुआ करते थे। बिल्कुल, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी। कि 24 अप्रैल को अभी महंगाई रात कैंप जो पूरा राजस्थान का जो राज्य स्तरीय का कार्यक्रम था वो भी मेरी पंचायत मापरा में इसका शुभारंभ हुआ था। यही नहीं, 1998 के अंदर जिस समय गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मैं उस समय मापरा का सरपंच था। पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय प्रोग्राम भी मेरी पंचायत मापरा से गहलोत साहब का शुभारंभ किया था, उन्होंने जिसमें मुख्यमंत्री बने थे। शाम को राजभवन में शपथ ग्रहण था, दूसरे दिन सुबह 10 बजे पल्स पोलियो अभियान का जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम होना था, तो शाम को ये तय हुआ कहाँ हो, तो मैं उस समय सरपंच था, तो मेरी ही पंचायत को सौभाग्य मिला था पल्स पोलियो अभियान का भी, चाहे मापरा के अंदर टेलीविजनों के उद्घाटन का हो, वो भी राजस्थान का टेलीविजन के उद्घाटन भी मापरा पंचायत से हुए थे। तो मापरा पंचायत हमारी ऐतिहासिक पंचायत है, इसमें कई प्रोग्राम राज्य स्तर के हुए हैं, हमेशा राजस्थान के जो हमारे जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने हमेशा मापरा पंचायत को आशीर्वाद प्रदान करने का कार्य किया है और अच्छी अच्छी योजनाओं का शुभारंभ भी मापरा से किए गए हैं। अच्छा जी, आपका बहुत लंबा समय भी रहा है और जो सरकारी लोग हैं, सरकारी व्यक्ति हैं, उनसे भी बार बार आपके संपर्क बहुत अच्छे रहे हैं। कांग्रेस सरकार जो है ओपीएस लागू करने के लिए उसने राजस्थान में लागू किया है और बीजेपी ये चाहती है कि ओपीएस की जगह एनपीएस लागू हो जाए, तो आप क्या अपने जो आपका प्लस पॉइंट है ये सरकारी कर्मचारियों तक पहुँचा पाएंगे कि ओपीएस आज तक 70 साल तक जब हमारी जो देश था वो कमजोर था, हम ओपीएस को लागू करते रहे और जब हम 3 मिलियन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं तो हम ओपीएस लागू नहीं करने की बात कर रहे हैं, तो ये आप अपने जो सरकारी कर्मचारी तक अपना जो ये ओपीएस लागू करने का जो रहा है इसे आगे कर पाएंगे? ऐसा ओपीएस ऐसी योजना है कर्मचारियों के लिए जो जिन्होंने इतने साल तक सर्विस की उनको पेंशन नहीं मिले, तो ये गहलोत साहब ने बहुत बड़ा कर्मचारियों के लिए जो एक मांग थी ओपीएस लागू करके किया है और उसी की देन थी कि अभी जो हिमाचल के अंदर चुनाव हुए हैं उसके अंदर कांग्रेस को ओपीएस की वजह से ही जो फायदा मिला है, अन्य राज्यों के अंदर भी कर्नाटक के अंदर भी ओपीएस को उसमें चुनावी एजेंडे के अंदर और घोषणा पत्र में रखा था, और यही नहीं आगे आने वाले समय के अंदर आप शायद देखना पूरे देश के अंदर जो है नरेंद्र मोदी जी को भी ओपीएस लागू करना पड़ेगा। और ये जो योजनाएं हैं अभी जो चिकित्सा का इन्होंने जो नेम लेके आए गहलोत साहब राइट टू हेल्थ, ये ऐसा एक विधेयक ऐसा एक प्रोग्राम है कि ये पूरे देश के अंदर लागू मोदी जी को करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से देश की सेवा की जा सकती है, देश का विकास किया जा सकता है। अच्छी यदि शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेगी तो हमारा देश विकसित होगा। ये दो योजना ऐसी है, अब ये दो मोदी जी को भी इनको लागू करनी पड़ेगी और करना भी चाहिए। मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस का ये जो सिपाही है उसे हम एमएलए कैंडिडेट की तरह देख पाएंगे? बिल्कुल साहब, मैं कांग्रेस का एक सेवक हूं और कांग्रेस पार्टी जो भी मेरे को आदेश देगी मैं हमेशा निर्वहन करूंगा। इच्छाएं सबकी होती है, मेरा तो आखिरी ये भी एक ख्वाहिश है, यदि पार्टी मेरे को इस प्रकार का मौका देगी तो मैं इसको भी बखूबी निभाऊंगा और आगे आने वाला जो 23 का चुनाव है इसके अंदर हम भी एक इच्छा है अब विधायक के रूप में जो है चुन करके जाए और जनता का आशीर्वाद मिले और हम राजस्थान की जनता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हर्षाय जी ने बहुत ही खुले तौर पे अपनी बात रखी और बात रखते रखते थोड़े इमोशनल भी हो गए। इतना लंबा समय रहा सरपंच, प्रधान, उसके बाद इस पोजीशन तक यहाँ तक आए और
एक बात बहुत जो उनके फेवर में जाती है कि उन्होंने कभी राजनीति जातिवादी के तौर पे नहीं किया, उन्होंने अब काम करने की जो सहूलियत है वो आज भी अगर महापुरा महापंचायत का नाम लिया जाता है तो हर्षा यादव का नाम जरूर जोड़ा जाता है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब हम उनसे बात करें तो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।